वो रात के तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में एक शख्स को लाया गया। वो सड़क पर होने वाले हादसे में जख्मी था और बेहोशी की हालत में था। डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू किया और इब्तदाई मरहम पट्टी के बाद उसे हॉस्पिटल के एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। अगले दिन जब उसकी खिदमत और ड्यूटी पर मामूर नर्स उस शख्स के कमरे में दाखिल हुई तो उसने अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि मरीज बेहोश है और कमरे की खिड़की, रोशनदान और बेड पर बहुत से परिंदे बैठे हैं, ऐसे जैसे उसकी इयादत करने आए हैं, जैसे उसकी सेहतियाबी की दुआएं मांग रहे हैं। जो ही नर्स अंदर दाखिल हुई, तमाम परिंदे उड़कर बाहर की दीवार पर जाकर बैठ गए। अब तो यह मामूल बन गया, हर रोज जब नर्स उस मरीज को देखने उसके कमरे में दाखिल होती तो तमाम परिंदे, चिड़ियां, तोते और कबूतर खिड़की, रोशनदान और कुछ उसके बेड पर बैठे होते, मगर नर्स को देखते ही वो उड़ जाते। आखिरकार 5 दिन बाद उस शख्स को होश आया और फिर जल्द ही मौजदाना तौर पर उसकी हालत तेजी से संभलने लगी। जिस दिन उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाना था, उस दिन वो अंग्रेज लड़की जो बतौर नर्स वहां ड्यूटी कर रही थी उस शख्स के पास आई। हालचाल दरियाफ्त करने के बाद उसने पूछा, क्या वो यहाँ अकेला रहता है, क्योंकि सारे अरसे में कोई भी आपकी तीमारदारी या खैरियत दरियाफ्त करने नहीं आया। उस शख्स ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे माँ बाप का इंतकाल मेरे बचपन में हो गया था और मैं उनकी अकलौती औलाद हूँ। शादी नहीं की तो जाहिर है बीवी बच्चे भी नहीं है, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। मगर जहाँ तक बात है कि कोई मेरी खैर खैरियत दरियाफ्त करने नहीं आया, तो क्या आपने नहीं देखा कि हर रोज इस शहर के परिंदे मेरी खैरियत पूछने आते हैं, मेरे पास आकर बैठ जाते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं? क्या इससे पहले कभी आपने इस कमरे में परिंदों को आते देखा था? नर्स ने इनकार में सर हिलाया और बोली, वो अरसा 10 साल से इस हॉस्पिटल में मुलाजमत कर रही है, मगर आज तक उसने ऐसा नहीं देखा। आखिर तुम वो कौन सा अमल करते हो कि ये सब परिंदे तुमसे इतना प्यार करते हैं? वो शख्स बोला, कई सालों से मेरा मामूल है, मैं हर सुबह और शाम के वक्त अपने घर के करीबी पार्क में जाकर इन परिंदों को दाना डालता हूँ, इनकी खिदमत करता हूँ। शुरू शुरू में ये मुझसे बहुत डरते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे दोस्त बन गए। जब मैं पार्क जाता हूँ ये मेरे पास आ जाते हैं, जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे हों। मैं इनसे बातें करता हूँ, इनको खाना खिलाता हूँ। अगर मुझे कोई परिंदा जख्मी या कमज़ोर लगे तो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, और जब वो ठीक हो जाता है तो उसे वापस खुली फिज़ा में छोड़ देता हूँ। कुदरत ने मेरे दिल में इन परिंदों और इन परिंदों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल रखी है। उस लड़की ने सवाल किया, क्या यह मुमकिन है कि इस कायनात की हर मखलूक मुझसे भी मोहब्बत करे और मेरे लिए भी दुआएँ करे? उस शख्स ने लड़की की तरफ देखा और बोला, अगर तुम चाहती हो कि इस कायनात की हर मखलूक तुमसे मोहब्बत करे, तुमसे हम कलाम हो, तो सबसे पहले अपने आप को मखलूक के लिए बेजरर कर दो, कि जिसके दिल में एक जर्रा भी लालच, हसद और कीना रह जाए वो कभी भी बेजरर नहीं रहता, वो एक चलता फिरता नुकसान बन जाता है। अगर तुम चाहती हो कि इस कायनात की हर मखलूक तुम्हारे लिए दुआ करे, तो अपने रिज्क में उनको शामिल करो, बज़ाहिर जिनकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि कुदरत को अपनी हर तख्लीक से मोहब्बत है और कोई भी चीज उसने बेकार पैदा नहीं की। अगर तुम चाहती हो कि इस आसमान पर उड़ते हुए परिंदे तुमसे अपने दिल की बातें करें, तो सबसे पहले तुम इंसानों से गुफ्तगू करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम अपने जैसों की इज्जत और कदर ना कर सको, कोई और तुमसे अपने दिल की बात तब तक कैसे कह सकता है? अगर तुम अनसुनी आवाजों को सुनना चाहती हो, तो नफरत से कहो कि वो तुम्हारे वजूद का रास्ता भूल जाए। अगर तुम चाहती हो कि इस कायनात की हर मखलूक तुम्हारी इज्जत और एहतराम करे, तो बिना रंग, नस्ल, जात, बरादरी और मजहब की तफरीक किए लोगों के जख्मों के लिए मरहम बन जाओ। अगर तुम खुद को दूसरों से बरतर और दूसरों को खुद से कमतर समझोगी, तो एक दिन तुम और तुम्हारी कहानी दोनों खाक की चादर ओढ़ लेंगे और तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अपने अंदर औसाफ पैदा करो, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा, वरना मुमकिन भी नामुमकिन ही रहेगा। ये परिंदे बड़े सूफी मिजाज होते हैं साहेब, अपने साथ की जाने वाली नेकियां खूब याद रखते हैं और दिल से दुआ देते हैं। ये इंसान की तरह लालच नहीं करते, अपने पैरों और पंजों में रिज्क छुपा कर नहीं उड़ते, अपने हिस्से का खा लेते हैं और बाकी दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, ये था आज का बोलता कॉलम और कहानी। अगर इसने आपके दिल पर दस्तक दी है, तो अपने दिल पर दिल का बंद दरवाज़ा बंदा नाचीज़ उज़ैर रशीद के लिए खोलिए। और अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। जल्द अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हो आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।